हे माँ, हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ आपने खंगाल के मुझे 2 दिन पहले ये कहा था कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, बड़े ही कड़े शब्दों में। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। ऑफ कोर्स ये डबल सेलिब्रेशन है, पहला आपके बर्थडे का, दूसरा कल आपका रिटायरमेंट है। तो मैं जानती हूँ कोविड है और रिस्क है, बट इतना तो कर ही सकती हूँ कि हर एक इंसान का रिव्यू और हर एक इंसान का मैसेज आप तक पहुँचा सकूँ, गुड विशेज आप तक पहुँचा सकूँ। तो बस ये वीडियो में यही है। मैंने और आनंद ने, मेरा भतीजा, हमने आज ये सीक्रेट मिशन प्लान किया, जिसमें हम दोनों बाहर गए और आपके स्टाफ से मिले। आपके एक एक स्टाफ जो आज आए थे, अटेंड थे, उन्होंने स्कूल अटेंड किया था, उनसे आपका उन्होंने आपको विश किया है। उन्होंने बताया है कि 30 साल, मतलब 30 ईयर्स आपके साथ वर्क करके कैसा लगा और मैडम कैसी हैं। तो जो आज अटेंड जो जिनका आज जो स्कूल में प्रेजेंट थे, बिकॉज ऑफ कोविड बहुत कम स्टाफ्स आ रहे हैं, तो मैं जितने स्टाफ्स का रिव्यू ले पाती थी उतने लोगों का ले लिया। फिर मैं और आनंद केक लेने गए और फिर वहाँ से अभी घर आ रहे हैं। और अब ये मेरा रिव्यू है जो पहले भी दिखाया जाएगा, लिया लास्ट में जा रहा है, ठीक है। तो माँ, आई नो थोड़ा अटखने वाला काम कर दिया है। और हमारे सीक्रेट मिशन के मेंबर्स का भी नाम बता देती हूँ। पहला मेरा भाई राहुल, वो फाइनेंस मिनिस्टर है सीक्रेट मिशन का, मैं मैनेजर हूँ और आनंद मेरा असिस्टेंट है। ऑफकोर्स मेरी सारी बातें मानता है, थैंक यू आनंद। एंड तो चलिए माँ, आप ये वीडियो देखिए, कैसा लगा बताइएगा। एंड फैमिली एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, थैंक यू सो मच कि मेरे एक बार कहने पर आप सब ने ये रिव्यू सेंड किया। एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मैं जो करना चाहती थी उसमें आपने मुझे सपोर्ट किया। मैडम हैप्पी बर्थडे। मैडम जो आपने जो भी कुछ किया वो एकदम सराहनीय है मैडम, और जैसा इस स्कूल को दे के जा रही हैं वैसा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपका प्यार, ठीक है मैडम ने, एकदम से आपको हैप्पी बर्थडे बर्थडे है पूरा। थैंक यू सर। मैडम हम तो जितने बोलिए सर, मैम हैप्पी बर्थडे मैम, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके साथ अभी हम यह तो न्यू ईयर खाएंगे, अगर आप मतलब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें याद आएंगी, बहुत याद आएंगी सर मैम। हैप्पी बर्थडे मैम, आपका साथ हम लोग के साथ रहा बहुत अच्छा लगा, और आपके इस विद्यालय में आने से और इस विद्यालय को जो योगदान मिला वो शायद ही आने वाले भविष्य में मिल पाए। मैडम उसके बाद आप जो है थोड़ा सा वो चिल्लाती है, घर पे जो है आप थोड़ा सा कम चिल्लाए। थैंक यू सर, ये तो मेरे फेवर में बात कर दी आपने। ये और आप अपना जीवन अच्छे से बिताएं और सुख में रहें। थैंक यू सर। तो लग रहा है जी अच्छा रहा है, कोऑपरेशन सबसे बनाए रखी है और हर काम टाइम से हो जाता है। थोड़ा चिल्लाती है थोड़ा, हाँ कोई भी बात में अपनी बात रखने के लिए चिल्ला के लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूं। आज उनका जन्मदिन है, हम लोग उनको आशीर्वाद देते हैं कि फिर हम लोग उनसे इसी तरह से मिलते रहें। सर आपको कुछ कहना, अभी कुछ ही दिन का एक्सपीरियंस हुआ होगा। कुछ भी मैडम को पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उनका जो कार्य रहा वो बहुत अच्छा रहा, हम लोग उनसे संतोषजनक रहे, और उनका व्यवहार भी जो हम लोगों के प्रति रहा वो बहुत अच्छा रहा, थोड़ा एक अपने में मिला कि मैडम ने चला विद्यालय को। और मैं सबसे यही कहूँगा कि वो अपने परिवार में हंसते खेलते रहें हमेशा, और एक अच्छी उम्र की कामना शुरू से करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कृष्णदत्त पांडे और मैं यहाँ संविदा टीचर हूँ। बहुत ज़्यादा तो मुझे उनके साथ कार्य करने का अनुभव नहीं रहा है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो एक कुशल प्रधानाध्यापिका, अच्छी शिक्षिका और अच्छी मार्गदर्शक रही है। और क्या कुछ पूछना हो तो बताएं। बस अच्छा है, मैं उनके शांतिपूर्ण एवं वैभवपूर्ण रिटायरमेंट के बाद के जीवन की कामना करता हूँ। यादव सहायक अध्यापक हाई स्कूल, अब तो हाई स्कूल हो गया है। मैं आज
नीलम मैडम के रिटायरमेंट के अवसर पर कामना करता हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद स्वस्थ रहें, सुखी रहें, परिवार के साथ आनंद पूर्वक जीवन। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? अच्छा रहा, मैडम का बहुत ही खुश मिजाज रही, हमेशा कैसी परिस्थितियाँ रही हमेशा खुश रहीं, सबको खुश रखने का उन्होंने प्रयास किया और अच्छा अनुभव उनके साथ। थैंक यू सर। मैं यहाँ छावनी में लगभग एक साल से नियुक्त हूँ, संविदा टीचर हूँ। और मैडम को देख ये नहीं लगता कि मैडम अभी रिटायर हो रही हैं उनकी एज के हिसाब से। उनके साथ एक साल से मैं अपना अनुभव ये बता रहा हूँ कि कोई मतलब किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है मैडम के साथ। कोई भी लेटर आता है, किसी भी चीज़ का जवाब देना हो, मैडम बिंदास उसका जवाब देती है। किसी प्रकार का किसी टीचर को महसूस होने का समय नहीं देती है। यहाँ बहुत सारे मैडम हैं, टीचर हैं, वो डर जाती है किसी भी चीज़ को लेकर, सीओ साहब कोई आदेश देते हैं या कोई भी, लेकिन मैडम एकदम ऐसी बात बोल देती है कि सबका एकदम टेंशन फ्री हो जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं यही वाराणसी का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था कैंटोनमेंट स्कूल में, तो सबसे फर्स्ट डे एंड फर्स्ट पर्सन जो मेरी मुलाकात हुई थी वो नीला मैम से हुई थी, क्योंकि मुझे आइडिया था नहीं कि हमको जाना किस स्कूल में है, कैसे पढ़ाना, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं गया था तो सीधे बालिकाएँ पहुँच गया था, तो वहाँ से जो मैडम के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात उन्हीं से हुई थी, और काफ़ी एक्सप्रेशन उनका जो एक्सप्रेशन था वो हमको आज तक मेरे दिल दिमाग में बना हुआ है। क्योंकि वो हमें नहीं भूलता है, क्योंकि आदमी का जो फर्स्ट डे होता है कहीं भी, कहीं नई संस्थाओं पर या फिर कहीं ऐसी जगहों पे, तो जो जिससे मिलता है उनका एक्सपीरियंस वो हमेशा बना रहता है। तो मेरे हिसाब से जो मैडम हैं तो वो उनकी जो खुशमिजाजी है, उनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर या तनाव ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो यहाँ ड्यूटी नहीं करने आती हैं, वो अपनी फैमिली में आती हैं। कोई भी वर्क हो या कोई लोड हो किसी प्रकार का, तो वो अपने पे नहीं लेती हैं। वो इस तरीके का माहौल बनाती है कि हमारे साथ के जो कर्मचारी हैं, सहकर्मी लोग हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेशर में ना लें, उसको एकदम नॉर्मली तरीके से उसको करते रहें। मैडम का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है। और क्या कहते हैं, मेरे साथ उनका क्या है संबंध जो है वो काफ़ी अच्छा है। धन्यवाद। डांट खाए कभी? हाँ? हम पूछते आप आंसर करिए। हाँ? डांट खाए? हाँ, डांट खा के गुस्सा आ रहा था कि थोड़ी देर गुस्सा आया? नहीं, उस गुस्सा में तो प्यार रहता है ना। अच्छा, बस मौन रहना सबसे बड़ी अच्छी बात है उनके साथ। अच्छा, और मतलब क्या बहुत धीरे बोलती हैं? और काम को लेकर कैसा एक्सपीरियंस है? हेल्पिंग है कि हेल्पिंग? बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है मतलब। और कैसा मतलब बिहेव करती हैं? फ्रेंड बिहेव करती हैं, मदर बिहेव करती हैं, कैसा? नहीं, मदर बिहेव करती हैं। और आफ्टर रिटायरमेंट कैसे आप चाहती हैं कि रहें? आफ्टर रिटायरमेंट कैसे रहें? वो ज़्यादा बिजी रहे तो बेटर है। सही। और एक बोल दीजिए कि मैडम रिटायर हो जाइएगा तो थोड़ा कम चलाइएगा। कम चलाइएगा? हाँ, क्योंकि हम लोग के साथ जैसे हम लोग सह लेंगे, बच्चे ऐसे नहीं सह पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा कमाइज करना पड़ेगा उनको। और आप फिर घर आएंगे मिलने? हाँ, जरूर मिलने आएंगे। ठीक है, आप 100 साल जिए और उसी तरह 100 साल तक चिल्लाते रहिए सबके ऊपर। क्या बोल रहे हैं? और आपको हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे जाने के लिए। और क्या कहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, कम चिल्लाएं, बीपी ना बढ़ाएं। बीपी आपका बढ़ जा रहा है, इसलिए आप थोड़ा कम चिल्लाइए, घर में भी कूल डाउन रहिए, ज्यादा म्यूजिक सुनिए जिससे आपको गुस्सा ना आए। और कैसा गाना आप क्या चाहते हैं, कैसा गाना सुने? रोमांटिक गाना सुने? रोमांटिक गाना, पुराना गाना बहुत अच्छा गाती भी और सुनती भी है। क्या बात है। और स्पेशली रेखा का, तो आप बस वही से सुनते रहिए और कूल माइंड रहिए। ठीक है, थैंक यू। मैम आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही चिल्लाते रहिए। क्या बोल रहे? और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे साथ आपका ये अच्छी चीज़ बोलूँ या बुरी चीज़ बोलूँ, दोनों बोलूँ, पहला और लास्ट आपका बर्थडे मेरे साथ है और आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। माँ के जैसे आप समझाती थी हम लोगों को, सारी चीज़ें बताती थी, डांटती थी और अच्छी चीज़ें सबको समझाती थी। तो आपका जाना बहुत खल रहा है। बस कैसा बिहेव है उनका? उनका बिहेव मैं मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहा। मैं जितने सालों से हूँ 2014 से, और मैं 14 सालों में उनके साथ मेरा और उनका बहुत अच्छा। देख के क्या फील होता है, किस टाइप की हैं, मतलब क्या पर्सनैलिटी है? गुस्सा आता ही ज़्यादा है, प्यार ज़्यादा करती हैं, या मदर जैसा भी आप वो करती हैं?
मेरे साथ तो हमेशा मदर जैसा ही बिहेव करेंगे, उनका जैसा भी मैं अपना और उनका जो मेरा वो है एक्सपीरियंस है, हाँ वो मैं ये और कि आप मिस करेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। चलिए सोच नहीं सकती हैं कि मैं दो तीन दिनों से मैं लगातार उनको देख रही हूँ कि मेरी आँखों में आंसू आ रहा है। आपका दिया हुआ गिफ्ट घर आया था मेरे, मैंने हम लोग खाए भी तो क्या मैं देती ही नहीं, बस उसमें मेरा थोड़ा सा प्यार दिल से जो दे दिया वो बहुत बड़ी चीज़ है, बस वो मेरा प्यार ही था, उसको कोई देने की चीज़ तो नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होता है, बस प्यार से देना चाहिए। और आपकी भी बहुत तारीफ़ करती हैं और आपको एज एन पर्सनल एक व्यक्ति के तौर पे बहुत सराहती हैं, हमारे साथ बैठती हैं जब हम लोग चाय पर बैठते हैं एक साथ बातें करते हैं, तो वो आपको बहुत सराहती हैं आपके स्ट्रगल का, आपके डिसीजंस का, आपने जो भी फेस किया है सबको, और हम सब आपको मतलब दिल से बहुत मानते हैं, इज्जत करते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं और हमारा सौभाग्य है। ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखिएगा और फिर तो हम लोग कॉन्टेक्ट में है ही। कट करें, कट हो रहा है, ऑन है, ऑन है। यार रेलिंग पे ऐसे लोग खड़े रहते हैं, जोर पूरा अंदर तक ना सारा बर्थडे दादी, कैसे हैं हम आज सीक्रेट मिशन पे आपके रिटायरमेंट और बर्थडे जन्मदिन की बहुत बहुत जो है अच्छी प्लानिंग के लिए आपको एक अच्छा सरप्राइज देने के लिए हम लोग बहुत ही धूप में और बहुत ही हार्ड वर्क के साथ क्या बात है जो है आपको गिफ्ट देने के लिए एक छोटा सा प्लान बनाए हुए हैं जो अगर आप देखेंगे तो आपको खुशी होगी बहुत ही ज़्यादा, पर आप प्लीज़ 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 बताइए आजकल फिर इसे ये सब मतलब कि करने कोई टाइम तो रहेगा नहीं, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे दादी, नमस्ते। हैप्पी बर्थडे दादी, मैं ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता, क्या ही बोलूं। हैप्पी बर्थडे दादी। हैप्पी बर्थडे मौसी, तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहो, आई लव यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे दादी,
कैसे हो? पता है आपको इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मन कर रहा है ना आपकी 16th बर्थडे पे आपके साथ रहती, बट क्या किया जाए, COVID-19 दम सब खराब कर दिया है। पता है आपके लिए बारे में ना जितना बोला जाए कम है। पापा मम्मी से जब भी बात करते हैं, पापा किसको आप लोग सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो वो आपकी लाइफ में, पापा मम्मी दोनों के मुँह से बस आप ही के नाम निकलता है। आई लव यू दादी, थैंक यू सो मच हमारी फैमिली के साथ हमेशा रहने को, एंड वी लव यू। वो आज आप 60 साल की हो गई, चाहती थी तो आपको गले लगा के विश करूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ। अपनी कुछ भावनाएं भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो अपने आप को बहुत मैं लकी मानती हूँ कि इस धरती मुझे एक नहीं दो दो माँ मिली। एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया वो धरती पर तो नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ हमेशा बनी रही हो। जब भी मेरी कोई तकलीफ हुई हो या मेरा परिवार को किसी आपकी ज़रूरत हो, आप हमेशा हमारे साथ रही हो। और बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखो और आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहो, जीवन की सारी खुशियाँ आपको मिले। हैप्पी बर्थडे बुआ। बुआ बुआ एक नया पर्सन हो मेरे जिंदगी में, सबसे ज़्यादा अहमियत आप ही रखती हो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ पूरा बचपन आप ही के साथ बीता, बीते हुए वक्त में हम दोनों एक साथ कुछ नहीं अलग अलग थे, आप बनास थी मैं मोगल सेना था, लेकिन उसके बाद भी आप हमेशा मेरे साथ एक साये की तरह बनी रही। जब मैं कुछ नहीं था तब आपका जो मुझ पर विश्वास था, जो आपका सहयोग था, उसका ऋण मैं कभी उतार नहीं सकता। आप एक शानदार शख्सियत हो, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दादी।